देश के जनपद हापुड़ के नगर पालिका परिषद पिलोकवा में इस वक्त हम मौजूद है और हम आज ऐसे शख्स से मिलने आए हैं जो कि जनता के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी, जैसे भी नौ वर्ष आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले शहर के जो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, छोटे बड़े, उनको प्रणाम करता हूँ। जो मेरे बुजुर्ग हैं, उनके चरणों में नमन। आज साल का आखिरी दिन है, कल से नया साल लग जाएगा। मैं सभी नगरवासियों को परिवार सहित मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आने वाला साल सबके लिए अच्छा रहे, परिवार में खुशी रहे और भाईचारे का माहौल सभी लोग बना के रहे। और जैसे कि अशोक शर्मा जी, अभी ओबीसी सीट था पिलखुआ में, ओबीसी महिला, अब लोगों का कहना है कि जनरल होना है, क्या कहाँ तक ये सच है और कहाँ तक झूठ है, इसके बारे में आप थोड़ा कहेंगे? देखो, जनरल सीट के लिए ये तो अब कोर्ट या योगी जी फाइनल करेंगे, ये तो कब होगा, कब क्या होगा, जनरल होनी है या ओबीसी होनी है, तो इसके लिए मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता जी। अब कोर्ट बताएगी या योगी जी बताएंगे। जैसे कि मान के चलिए ओबीसी सीट हो जाता फॉर एग्जांपल, तो इसमें मजबूती से पार्टी में कौन लड़ना अच्छा रहेगा, जो पार्टी जनता के प्रति अच्छा जागरूक है और चुनाव जीत के जनता की मदद करेगा? और जनरल सीट होता है तो जनरल सीट से कौन ऐसा प्रत्याशी है जो कि चुनाव जीत के नगर पालिका परिषद के लोगों से आने वाला है? देखो, जनरल सीट पे सबसे पहले तो प्रवीण भाई हैं, राधे भैया। दूसरा, हमारे पिलखुआ शहर में जनरल सीट पे और भी हमारे भाई लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मनोज तोमर हैं, हेडली के नाम से प्रसिद्ध हैं, समाज सेवी भी हैं, वार्ड में सभासद भी हैं, निर्विरोध सभासद भी रहे हैं वो, और अपने वार्ड में उनकी अच्छी छवि है। दूसरे नंबर पर संजीव शर्मा गुड्डू भाई हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, अतरूली के हैं, मेरे परिचित हैं, और वो भी चार पाँच बार के सभासद अपने वार्ड के रहे हैं, मेरे उनसे भी रिलेशन है। अंशुल मित्तल जी हैं, वो भी कहीं मिलते हैं, भाईचारा होती है, सारी चीज़ें हैं, अच्छा व्यवहार है उनका भी। उसके बाद और भी हमारे शहर के कैंडिडेट हैं जनरल में, जो सभी से हमारा परिचय है, सब ठीक है, सब नॉर्मल व्यवहार। लेकिन जो संबंध, जो व्यापारिक व्यावहारिक हैं, वो प्रवीण भाई से हैं, राधे भाई से, और लगभग 20-25 साल से इनके संपर्क में। छोटे से छोटा कोई प्रोग्राम भी राधे भाई के यहाँ होता है तो मुझे और मेरे परिवार को इनवाइट करते हैं और मुझे पूरा सम्मान देते हैं। तो बात रही ओबीसी की, ओबीसी में दो तीन चेहरे हैं जो हमारे जानकार हैं। योगी जी हैं, हमारे वस्त्र व्यापार संघ के सदस्य भी हैं, योगिंदर योगी के नाम से प्रसिद्ध है वो। दूसरे यदि होता है तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी हैं, घास मंडी दराय पर रहते हैं, उनका भी मेरा व्यापारिक तो नहीं कह सकता लेकिन पारिवारिक संबंध, 25-30 साल से वो काफ़ी समय से उनसे जुड़े हुए हैं। बाकी बहुत सदस्य हैं ओबीसी में जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ होल्डिंग वगैरह लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो परिचय है। शिवकुमार टाक जी है, वो भी वस्त्र व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी, हमारे पिलखुए में लगभग 2000 वस्त्र व्यापारी हैं, जो हमारी एक कमेटी है वस्त्र व्यापारी संघ, मैं उस का भी सदस्य हूँ, और उसमें सभी वर्ग के लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, बहुत लोग आएंगे ओबीसी में, सबको परिचित मेरा इतना है, 2-4 लोग हैं। अब ये डिपेंड करेगा चुनाव का माहौल क्या बनता है, कौन पार्टी किस पार्टी से आता है, बीजेपी से कितने लोग आते हैं, ज़्यादातर बीजेपी की लाइन में लगे हुए हैं जी, बिल्कुल। अब बीजेपी किसको टिकट देती है वो तब डिसीजन लिया जाएगा, कौन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ अशोक शर्मा जी, जो समाज सेवा के, जनता के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, और हमारे साथ बने रहिए। इस तरह से हम आपको पल पल की खबर अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अपने कैमरामैन सहयोगी अशोक के साथ हापुड़।